हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज का वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड है और मेरे हार्ट सीरीज से रिलेटेड है। आज भी हार्ट पेशेंट्स लोग के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं। जिस तरह की मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो ब्लॉकेज को पता करता है हार्ट के लिए। हार्ट की बीमारियों को पता करने के लिए हम एंजियोग्राफी टेस्ट कराते हैं, लेकिन मैंने उसमें यह भी बताया था कि एंजियोग्राफी से भी बेहतर टेस्ट आ चुका है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये क्या टेस्ट है और इसकी खास बात क्या है आज हम जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए माई वीजे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी बजा दीजिए जिससे मिल सके लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। दोस्तों, इस टेस्ट का नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये टेस्ट में इस तरह की मशीन यूज की जाती है जिसमें पेशेंट को लिटाया जाता है और जो आप रिंग देख रहे हैं यही रिंग हार्ट को स्कैन करती है और पता करती है कि कितने ब्लॉकेजेस हैं। ये बहुत इजी टेस्ट है और ये सिर्फ 2 से 3 मिनट में हो जाता है। आपको रेडियोलॉजिस्ट बता देता है ऑन द सेम डेट कि आपको कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है। इसमें और स्पेशल खास बात यह है कि ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। नॉन इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर के अंदर नहीं डाला जाता, और इन्वेसिव का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट को घुसा के वो टेस्ट किया जाता है। जिस तरह की एंजियोग्राफी में हमने देखा था कि एंजियोग्राफी में एक कैथेटर होता है जो अंदर ट्यूब डाली जाती है और वो हार्ट में जाके बताता था कि ब्लॉकेजेस कितने हैं, तो वो ट्यूब को पूरा हमको शरीर के अंदर डालना पड़ता था एंजियोग्राफी टेस्ट में। लेकिन इस टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, नॉन इन्वेसिव है और ये रिस्क फ्री टेस्ट है। तो ये इसकी बहुत खास बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं इस बात से कि जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में वो नहीं चाहते कि उनके शरीर में कुछ चीज इस तरह से की जाए। दूसरा खास बात यह है कि इसकी कॉस्टिंग जो है वो एंजियोग्राफी की कंपैरिजन में, उसकी अपेक्षा में आधे से भी कम है। एंजियोग्राफी क्या है, 12 से 20 हजार ये अराउंड में रेट रहता है एंजियोग्राफी टेस्ट का, जो कार्डियोलॉजिस्ट, अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट चार्ज करते हैं। बट ये टेस्ट अराउंड 6 to 7 thousand में हो जाता है और कुछ जगह ये टेस्ट महंगा है, लेकिन जहां बहुत सारी मेट्रो सिटी में ये टेस्ट बहुत सस्ते दामों में हो जाता है, मैं उस टेस्ट कहां होते हैं ऐसे टेस्ट जो सस्ते दामों में होते हैं मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप वहां पे जाके हर मेट्रो सिटी में उस सेंटर्स में जाके ये टेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, ये टेस्ट में स्पेशल खास बात और है कि ये टेस्ट अगर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और आपको एंजियोग्राफी करानी है तो आप ये टेस्ट खुद से जाके करवा सकते हैं सेंटर्स में जाके, और आफ्टर दैट वो टेस्ट होने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके कि आगे आपको क्या ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो ये टेस्ट के लिए आपको मना करेंगे। मना इसलिए करेंगे क्योंकि इस टेस्ट में उनको मुनाफा कम है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात है, ये फ्रैंक बात है, मैं सच आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ मुनाफा कम होने के कारण ये टेस्ट मना करते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी जहां उनके पूरे हाथ में होता है 15 से 20 हजार रुपए वो आधे घंटे के अंदर सिर्फ ये टेस्ट करके बना लेते हैं, वहीं ये टेस्ट रेडियोलॉजिस्ट करता है और उसकी कीमत 6 से 7 हजार रुपए होती है। तो इसके कारण कार्डियोलॉजिस्ट मना करते हैं और बोलते हैं कि एक्यूरेसी इसमें कम आती है, आप एंजियोग्राफी कराइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कोई एक्यूरेसी कम नहीं है। जितना कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करके एक्यूरेसी आती है ब्लॉकेज की, सेम एक्यूरेसी इसमें भी आती है। तो इस मामले में भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये टेस्ट गलत इंफॉर्मेशन देगा। और ये टेस्ट होने के बाद आप आराम से आप अपना टाइम लेके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। वहीं अगर एंजियोग्राफी में होता क्या था, कई बार डॉक्टर डराता है पेशेंट को, एंजियोग्राफी करने के बाद बोलता है डॉक्टर कि तुरंत एंजियोप्लास्टी कर लो, अभी हालत बहुत खराब है, ब्लॉकेज ज्यादा है, और उनका मकसद रहता है कि उसी के बेड में जहां पे एंजियोग्राफी अभी आपने किया है वहीं पे एंजियोप्लास्टी करके वो आपका 1 से 1.5 लाख का बिल फाड़ दें, क्योंकि एंजियोप्लास्टी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन और कुछ बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि एंजियोप्लास्टी होता क्या है, उसमें हम जानेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट का रहता है कि मकसद कि एंजियोग्राफी के साथ साथ एंजियोप्लास्टी भी करके 1.5 लाख का बिल फाड़ दें। तो ये चीज का भी आप
टेंशन नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट करा के आपके पास आराम से समय है, आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहता था आप लोगों को बताना, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए था ये वीडियो मेरा, कि ये टेस्ट के बारे में जाने और अवेयर हो और बहुत सारे लोगों को अवेयर करें। अभी आपके पैसे बच सकते हैं, आप हार्ट ब्लॉकेज का पता बहुत सस्ते दामों में कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूंगा और रिसर्च करके लाते रहूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।